जय श्री स्वामीनारायण। आओ सौ साथे मळी घरे बैठा लाभान्वित थईए। आपण सर्वे ने भगवान श्री हरि मां प्रीति थाय, तेमना स्वरूपनी दृढ़ता थाय, आपनु जीवन धर्म ज्ञान वैराग्य भक्ति थी सभर बने अने भगवान श्री हरिनी प्रसन्नताना पात्र बनी। तीर्थधाम सरधार ने आंगणे उजवाय। पवित्र अधिक मास मा श्री हरिवाक्य सुधा सिंधु होमात्मक यज्ञ अनुष्ठान। पूज्य सद्गुरु स्वामी श्री नित्य स्वरूप दास जी ना पावन सान्निध्य मा विद्वान संतो द्वारा संस्कृत श्लोक गान साथे शास्त्रोक्त वेदोक्त विधि सह योजायेल आपने घरे बैठा पुष्प अक्षत वड़े आहुति आपी। हरि ओम सहस्त्र शीरिका पुरुखः सहस्त्राक्षः सहस्त्रपात् स भूमिकौ सर्वत्र सप्तपात्यतिष्ठत् दशाङ्गुलम् पुरुख एवेतकौ सर्वं यद्भूतं जष्ट भाव्यम् भूतामृतत्वशेषानो जतन्नेनातिरोहति एतावानस्य महिमातो जायाश्च पुरुकः पादोऽस्य विश्वा भूतानि त्रिपादस्य अमृतं दिवि माया कृष्णेन निहताः सार्जुनेन रणेषु ये प्रवर्त ईशान्त्यसुरा स्ते त्वधर्मं यदाक्षितो धर्मदेवतदा भक्ताद् अहं नारायणो मुनिः जनिषे कौशले देशे भूमहि समगो द्विजः मुनिशापनृतां प्राप्ता नृषिंस्तात् तथोद्धवं ततो वीतासुरेभ्योः सद्धर्मं स्थापयन् ज सद्धर्मं स्थापयन् ज। बोलो स्वामी नारायण भगवान नी श्री हरि कृष्ण महाराज नी जय श्री राधा रमण देव नी जय श्री लक्ष्मी नारायण देव नी जय श्री नर नारायण देव नी जय श्री गोपीनाथ जी महाराज नी जय श्री मदन मोहन जी महाराज नी जय श्री काष्ठभंजन देव नी जय। अथ दुर्गपुर मध्यम प्रकरणस्य षट्षष्टितमस्तरङ्गः स्वामी नारायणाय स्वाहा। शकाब्दे विक्रमार्कस्य चन्द्राष्टवसुभूमिते पौषकृष्ण प्रतिपदि वचोमृतमिदं हरेः स्वामी नारायणाय स्वाहा। तत्र दुर्गपुरे दुर्ग उत्तमस्य सवेश्मनः प्राङ्मुखस्य बहिर्वेद्यां व्यराजत सदासने स्वामी नारायणाय स्वाहा। पीतरक्तातिसूरभि पुष्पहारावतं सकः सीताम्बरो वृतो नेके त्यागिभिर्गृहिभिः स्वकैः स्वामी नारायणाय स्वाहा। गीतानि कृष्णपद्यानि सवादित्रं च साधुभिः श्रुत्वा रुष्टः स पुरतो निषण्णान् अब्रवीत् सतः स्वामी नारायणाय स्वाहा। अद्य पृच्छामि महतः सतोऽहं तन्निक्षम्यतां स इत्युक्त्वा नन्दमुनिम् आदौ पप्रच्छ संसदि स्वामी नारायणाय स्वाहा। अस्त्येकः पुरुषः कश्चित् स्वल्पधीरपि पश्यति दोषान् स्वकान् परेषां तु गुणानेव न चेतरान् स्वामी नारायणाय स्वाहा। अथेकोऽस्ति पुमान् कश्चित् स धीमान् अपि नात्मगान् दोषान् विचष्टेन्येषां तु दोषानेव सतामपि स्वामी नारायणाय स्वाहा। एवं बुद्धिमतोऽप्यस्य स्वदोषानवबोधने अस्ति किं कारणमिति प्रश्नोत्तरमुच्यतां स्वामी नारायणाय स्वाहा। यथा मत्युत्तरे तेन कृतेऽपि मुनिनाथ सह तत्सम्यग् नेति मन्वानः स्वयमेव तदूचिवान् स्वामी नारायणाय स्वाहा। नेक्षेतयः स्वगान् दोषान् न गुणांश्च सतां नरः
प्राग्जन्मन्यत्र वातेन कृतो द्रोहो महासतः स्वामिनारायणाय स्वाहा। तेन पापेन धीरस्य महत्यप्यस्ति दूषिता अतो विपर्ययं प्राप्ता भवतीत्युत्तरं मुने स्वामिनारायणाय स्वाहा। इत्युक्त्वा तं सपप्रच्छ नित्यानन्दमुनिं प्रभुः श्रेय आत्यन्तिकं केन साधनेन नृणां भवेत् स्वामिनारायणाय स्वाहा। साक्षात् कृष्णाश्रयेणेवेत् युच्चेत यदि तर्हि तु धर्म ज्ञान विरागाणां भक्तेर्वा किं प्रयोजनं स्वामिनारायणाय स्वाहा। इति पृष्टः सोऽपि मुनिर्यथा मत्युत्तरं ददौ तदप्यजातं मन्वानः स्वयमेव तमाहतत् स्वामिनारायणाय स्वाहा। श्रेय आत्यन्तिकं यत्तद् हरेः साक्षात् समाश्रयत् भवतीत्येव जानीहि नास्ति दृक् साधनान्तरं स्वामिनारायणाय स्वाहा। अन्यानि धर्ममुख्यानि साधनानि तु सत्पतेः तस्याज्ञैव पाल्यानि तस्यैव प्रीतये प्रभोः स्वामिनारायणाय स्वाहा। अपि कालश्च माया च ब्रह्मे शोभास्करादयः तस्याज्ञाम् अनुवर्तन्ते नियन्तुः सभयः सदा स्वामिनारायणाय स्वाहा। अतो भक्तेन कृष्णस्य सावधानतयैव हि तदाज्ञा पालनीयैव यया सिद्ध्यति दासता स्वामिनारायणाय स्वाहा। एवं सत्येकमेवास्ति श्रेयसे साधनं नृणाम् इति दत्त्वोत्तरं ब्रह्मानन्दं पप्रच्छ स प्रभुः स्वामिनारायणाय स्वाहा। देहे जीवोऽस्ति योऽत्रासौ साकृतिर्वा निराकृतिः अस्तीति पृष्टः साकार इति प्राहसतं मुनिः स्वामिनारायणाय स्वाहा। तं स्वाम्युवाच साकार यदि जीवो भवेत्तदा बुद्धिन्द्रियादिन् जीवानां सुखाय एषः कुतः सृजेत् स्वामिनारायणाय स्वाहा। बुद्धीन्द्रियमनःप्राणाञ्जनानां सृजत् प्रभुः मात्रार्थञ्च भवार्थञ्च ह्यात्मने कल्पनाय च स्वामिनारायणाय स्वाहा। इत्युक्तं श्रीभागवते ततो जीवः स्वरूपतः स्वभावतश्च चिद्रूपः सन्मात्रश्चास्ति निश्चितं स्वामिनारायणाय स्वाहा। अनाद्यज्ञानरूपेण वपुषा कारणेन तु सचावृतोऽस्ति वै नित्यं यथा बीजं त्वचावृतं स्वामिनारायणाय स्वाहा। चुम्बको लोहमाकृष्य स्वशक्त्या तेन सज्जते यथा तथेष सृष्टेन स च बुद्धीन्द्रियादिना स्वामिनारायणाय स्वाहा। अज्ञानेनैव तस्मिंश्चाहं मतिं विदधाति सः न त्वसो वस्तुतस्तादृग् इत्युक्तः सोऽब्रवीन्मुनिः स्वामिनारायणाय स्वाहा। कृष्णे कान्तिकभक्त्या सौ अज्ञानविनिवृत्तितः यदा त्रिदेहमुक्तः स्यात् किदृग्रूपस्तदा भवेत् स्वामिनारायणाय स्वाहा। तमुवाच हरिर्यर्हि श्रीकृष्णोपासना बलात् वपुस्त्रयं लीयते स्य चिद्रूपो जायते सदा स्वामिनारायणाय स्वाहा। कृष्णेच्छयाथ दिव्योऽस्य परा प्रकृतितो मुने आविर्भवति देहो वे तेन संयुज्यते च सः स्वामिनारायणाय स्वाहा। तादृशोऽथ हरिं प्रीत्या तस्मिन्नक्षरधामनि सेवमानो वर्तते सौ प्रश्नोत्तरमिति ऋतं स्वामिनारायणाय स्वाहा। ततः पप्रच्छ गोपालानन्दं साधुवरं हरिः भगवन्तं भजन्तेऽत्र बहवः पुरुषा मुने स्वामिनारायणाय स्वाहा। केषाञ्चिज्जायते तत्र साक्षात् दर्शनमात्मनः अष्टाङ्गस्य च योगस्य सिद्धिरप्यति दुर्लभा स्वामिनारायणाय स्वाहा। सिद्ध्यत्येतद्वयम् अपि कृपया कृष्ण तत्सताम् अतस्तेष्वेव तेषां तु सर्वदा लग्नतोचिता स्वामिनारायणाय स्वाहा। तथापि कस्यचिद् योग सिद्धौ च स्वात्मदर्शने जाते तत्रैव तस्याति लग्नतापुंस ईक्ष्यते स्वामिनारायणाय स्वाहा। तद्हेतौ तुरहरो सत्सु तस्या गौणत्वमीक्ष्यते तत्र किं कारणं साधु बृहित्युक्तो ब्रवित्सतं स्वामिनारायणाय स्वाहा। पुंसोऽस्य योगसंसिद्ध्या स्वात्मनो दर्शनेन च हृदि मानो जात इति वृत्तिस्तस्येदृशीक्षते स्वामिनारायणाय स्वाहा। इत्युक्तवन्तं प्रत्याहतं
हरि स यदा पुमान सिद्ध योगश्चात्म द्रक्ष्याद् ब्रह्म रूपस्तदा भवेत् स्वामिनारायणाय स्वाहा। तस्मिंस्तथा विधे मानो वक्तुं शक्यो न वै मुने किन्तु तेन न विज्ञातं योग सिद्धादिवर्तनं स्वामिनारायणाय स्वाहा। योग सिद्धाश्चात्मदृशो ब्रह्मी भूतः पुरातनः यथा वर्तन्त तत्तेन ज्ञातव्यं शास्त्र चक्षुषा स्वामिनारायणाय स्वाहा। योगस्य सिद्धिं परमां संप्राप्तश्चात्मदर्शनः ब्रह्मानंद निमग्नश्च प्रागासीद् व्यासनंदनः स्वामिनारायणाय स्वाहा। तथा विदोप्यदित्यासौ श्रीमद्भागवतं हरो चकार परमां भक्तिं तस्य चात्म प्रियो भवत् स्वामिनारायणाय स्वाहा। भक्तेरेव सवृद्ध्यै च साधु वैष्णव संगमं नित्यमिच्छन् कथां चक्रे तत्पुराणस्य संसदि स्वामिनारायणाय स्वाहा। एव मन्येऽपि बहव आत्मनिष्ठाश्च योगिनः कृष्ण तत्सेवकेष्वेव सम्प्रापूरति लग्नतां स्वामिनारायणाय स्वाहा। आत्मदृग्योगिनामेतां परिपाटिं तु ये विदुः अधुनाप्यत्र ते भक्ता वर्तन्ते तद्वदेव हि स्वामिनारायणाय स्वाहा। अतो यस्येदृशी वृत्तिर्न स्यात् तेन तु शास्त्रतः बुद्ध्वा प्राग्योगवृत्तान्तं हेयो दोषो निजोचिरात् स्वामिनारायणाय स्वाहा। येन दोषः स्वको नैव विदितः स्यात् कथञ्चन पूजनान्ते हरिस्तेन प्रार्थनीयो दिने दिने स्वामिनारायणाय स्वाहा। नारायण हरे स्वामिन् यः कश्चिन्मयि संस्थितः दोषः स्यात् स त्वया नाश्यः कृपया दीनवत्सलः स्वामिनारायणाय स्वाहा। इति सम्प्रार्थितः साक्षात् भगवानीश्वरेश्वरः दोषानशेषतो हन्ति न चिरेणैव हृद्गतः स्वामिनारायणाय स्वाहा। इति प्रश्नोत्तरं स्वामी दत्त्वा स्मे शास्त्रसम्मतं पुरोनिशरणं पप्रच्छ मुक्तानन्दं महामुनिं स्वामिनारायणाय स्वाहा। कृतावतारोऽपि हरिः स्वतन्त्रोऽस्त्येव सर्वदा मानुष्यं नाटयन् क्वापि स स्वैश्वर्यं न दर्शयेत् स्वामिनारायणाय स्वाहा। मन्त्रयन्त्रादिवित् कश्चित् प्राकृतोऽपि पुमान् मुहुः चमत्कारान् बहून् सद्यो दर्शयेदञ्जसाश्रितान् स्वामिनारायणाय स्वाहा। तद्दर्शनेन भक्तस्य नुरुवृत्तिं भजतो हरिं ततो यायात्परावृत्तिं न वा यायान्मनोवद स्वामिनारायणाय स्वाहा। इति पृष्टः स तं प्राह यदि भक्तेन तेन सह सम्यक् स्यान्निश्चितस्तर्हि परावर्तेत तन्न वै स्वामिनारायणाय स्वाहा। यदि प्राकृतजीवस्य चमत्कारसमीक्षणात् परावर्तेत भक्तस्य मनः कृष्णानृनिशीलिनः स्वामिनारायणाय स्वाहा। तर्हि तेन हरिर्नेव ज्ञातः खलु यथार्थतः इत्युत्तरं हरिः श्रुत्वा प्राहतं सत्यमीरितं स्वामिनारायणाय स्वाहा। पप्रच्छाथो शुकमुनिं प्रभुः साधोऽत्र देहिनः यस्य साक्षाद् हरेः प्राप्तिर्जातास्त्यथ च तत्सतां स्वामिनारायणाय स्वाहा। जीवतोऽत्रास्य को लाभो देहान्ते कश्च जायते इति पृष्टः सतं प्राह त्वमेवास्योत्तरं कुरु स्वामिनारायणाय स्वाहा। श्रीहरिरुवाच स्वामिनारायणाय स्वाहा। कालोऽस्य जीवतः कृष्ण कथा संश्रवणादिना सर्वोऽपि यात्यथेक्षा स्याद् ब्रह्मरूपात्मनो मुने स्वामिनारायणाय स्वाहा। अवस्थात्रीतया क्रान्तिः स्वधर्मे चाचलस्थितिः त्यागश्चाधर्मसर्गस्य सर्वदा सर्वथैव हि स्वामिनारायणाय स्वाहा। कृष्णेतरपदार्थेषु वैराग्यं च सदा दृढम् एष लाभोऽत्र विज्ञेयो हरिभक्तस्य जीवतः स्वामिनारायणाय स्वाहा। देहान्ते त्वस्य भगवत्साधर्म्याप्तिश्च जायते ब्रह्मधामानि कृष्णस्य सेवा तेन च लभ्यते स्वामिनारायणाय स्वाहा। तत्र तेनानुभूयन्ते यथा वच्च रमापतेः स्वरूपं च स्वभावश्च सद्गुणाश्च विभूतयः स्वामिनारायणाय स्वाहा। एवं श्रीकृष्णभक्तस्य लाभोत्रास्ति परत्र च प्रश्नोत्तरम् इति प्रोक्तं मुनि हृद्यवधारय स्वामिनारायणाय स्वाहा। प्रश्नोत्तरात्मकवचोऽमृतमीश्वरस्य तस्येति ते मुनिवरः श्रवणेर्निपीय हर्षं परं ययुरथो मुनयः सदहस्ताः सर्वे परेऽपि च गृहाश्रमिणः पुमांसः।
इति श्री शतानंद मुनि विरचिते श्री हरिवाक्य सुधा सिंधौ नवनवत्यधिक शततमस्तरंगः स्वामी नारायण स्वाहा। अथ दुर्गपुर मध्यम प्रकरणस्य सप्तषष्टितमस्तरंगः स्वामी नारायण स्वाहा। शकाब्दे विक्रमार्कस्य चंद्राष्टवसुभूमिते माघ कृष्ण तृतीयायां वचोमृतमिदं हरेः स्वामी नारायण स्वाहा। तत्र दुर्गपुरे दुर्ग उत्तमस्य महीभुजः निजावासदपाग्देश उपगंगाजलप्रहेः स्वामी नारायण स्वाहा। वेद्यं निषद्य राजन् सस्वासने विशदांशुकः सद्गीत कृष्ण पद्यानि भक्त संघ वृतो श्रुणोत् स्वामी नारायण स्वाहा। कीर्तनान्ते प्रसन्नोऽसौ सत ऊचे पुरोगतान् सर्वे शृण्वन्तु भो संतो युष्मान् पृच्छामि किंचन स्वामी नारायण स्वाहा। एकांतिका हरेर्भक्ता देहान्ते ब्रह्मतां गतः तत्साम्यं परमं प्राप्य सन्ति तद्धाम्नि भूरिशः स्वामी नारायण स्वाहा। तेषु कृष्णे च को भेदो येन ते सेवका मताः सेवनीयश्च भगवान् इति पृष्टास्त ऊचिरे स्वामी नारायण स्वाहा। प्रश्नस्यास्योत्तरं स्वामिंस्तयेव हि भविष्यति इत्युक्तः सहसन् ऊचे श्रूयतां तदहं ब्रुवे स्वामी नारायण स्वाहा। कृष्णभक्ताः कालकर्म माया वर्णवर्जिताः ब्रह्मी भूता ब्रह्मधाम्नि वसन्ति हरिसन्निधौ स्वामी नारायण स्वाहा। भूरि तेजोमयांगास्ते कृष्णाग्रे त्वल्प तेजसः तारका इव चंद्राग्रे दृश्यन्त इति गम्यतां स्वामी नारायण स्वाहा। रूप सौंदर्य ऐश्वर्य गुणः कल्याणकारिणः कृष्णदत्ताः सन्ति तेषु कृष्णे तु सहजस्थिताः स्वामी नारायण स्वाहा। दीयमानम् अपि स्वेभ्य ऐश्वर्यं राधिकापते अर्णवाम्भ इवापारम् अवितर्क्यं च वर्तते स्वामी नारायण स्वाहा। अस्ति कृष्णे निदवधि महेश्वर्यम् अखण्डितम् तत्रस्थमुक्तपुंसां तद् अत्यन्तमपि सावधि स्वामी नारायण स्वाहा। ब्रह्माण्डानि सृजेयुस्ते कृष्णस्येवाज्ञया क्वचित् पालयेयुः संहरेयुस्तानि न त्विच्छयात्मनः स्वामी नारायण स्वाहा। अनेककोटिब्रह्माण्डसृष्टित्वादीनि तु प्रभो स्वातन्त्रेण भवन्तीति तस्य तेषां च भेदकृत् स्वामी नारायण स्वाहा। एवम् आदिगुणैर्ज्ञेया कृष्णस्य स्वामिता तथा मुक्तपुंसां सेवकत्वं ज्ञेयं ब्रह्मस्वरूपिणां स्वामी नारायण स्वाहा। अमृतं वचनं स्वगुरोरिति ते मुनयस्तु निशम्यमुदं परमां गृहिणश्च जना निखिला अगमन् विनयेन च तं स्मनमन्ति हिते स्वामिनारायण स्वाहा। इति श्रीशतानन्द मुनि विरचिते श्रीहरिवाक्य सुधा सिन्धो द्विशततमस्तरङ्गः स्वामी नारायण स्वाहा। समाप्तं मध्यप्रकरणं स्वामी नारायण स्वाहा। अथ वृत्तालय प्रकरणे प्रथमस्तरङ्गः स्वामी नारायण स्वाहा। शकाब्दे विक्रमार्कस्य नेत्राष्टवसुभूमिते एकादश्याम् ऊर्जशुक्ले वचोमृतमिदं हरेः स्वामी नारायण स्वाहा। तत्र वृत्तालयपुरे गोमती सरसस्तटे सविराजन् महापीठे भक्तसङ्गैः परिष्ठितः स्वामी नारायण स्वाहा। शोणशीर्षस्कन्धपटो धृतश्वेताङ्गरक्षकः श्वेतसूरवारधरो जम्वाम्भकटिबन्धनः स्वामी नारायण स्वाहा। स्थलपद्मसृगापीड केयूरकरभूषणम् तमुदग्वदनम् शोभा रामः पप्रच्छशास्त्रवित् स्वामी नारायण स्वाहा। प्राप्नुयात् कृष्णभक्तो यो निर्विकल्पस्थितिं सते एकान्तिकः स्थितप्रज्ञो निर्भयो मुक्त ईरितः स्वामी नारायण स्वाहा। यस्तु नैतां स्थितिं भक्तः प्राप्तः स्यात्तेऽस्य कीदृशी गतिः स्यादिति सम्पृष्टस्तमुवाच सत्पतिः स्वामी नारायण स्वाहा। मनः प्राणनिरोधः स्यात् कृष्ण इत्येव
केवलं निर्विकल्पस्थितिर्नेव किन्तु शास्त्यन्यथापि हि स्वामिनारायणाय स्वाहा। विश्वसर्ग विसर्गादि नवलक्षणलक्षितः श्रीकृष्ण आश्रयः प्रोक्तः श्रीमद्भागवतादिषु स्वामिनारायणाय स्वाहा। साक्षान्नराकृतेस्तस्य मुमुक्षोर्दृढनिश्चयः स्वपित्रादेरिवाचाल्यः क्वापि केनापि यो भवेत् स्वामिनारायणाय स्वाहा। निर्विकल्पसमाधिः स प्रोक्तो मुक्तो भवेत् स यत् तस्मिन् सति मनः प्राण निरोधो नास्त्यपेक्षितः स्वामिनारायणाय स्वाहा। तावतेव कृतार्थोऽसौ भवतीत्यवगम्यतां तं विना प्राणरोधस्तु ज्ञेयो किंश्चित् करः खलु स्वामिनारायणाय स्वाहा। प्राणरोधविहीनोऽपि यः कृष्ण दृढनिश्चयी भवेत् पुमान्स विज्ञेयो निर्विकल्पसमाधिमान् स्वामिनारायणाय स्वाहा। कीदृक्कृष्णस्वरूपं स्यात् परमे ब्रह्मधामनि श्वेतद्वीपे च वैकुण्ठे कीदृक् कीदृक् भवेच्च तत् स्वामिनारायणाय स्वाहा। दर्शनं तस्य रूपस्य भविष्यति कदा मम विकल्पा ईदृशा यस्य भवेयुर्हृदये मुहुः स्वामिनारायणाय स्वाहा। देवेच्छातः क्वचिज्जाते समाधावपि तस्य तु नेवे कांतिक भक्तत्वं यतो मुक्तिर्भवेत् परा स्वामिनारायणाय स्वाहा। अतो नराकृतावेव कृष्णे यस्याचला मतिः भवेत् तस्यैव मुक्तिः स्यात् त्यागिनो गृहिणोऽपि च स्वामिनारायणाय स्वाहा। इति ज्ञात्वा सेव दृढा कर्तव्यात्रवमोक्षुणा तयैव च कृतार्थत्वं स्वस्य ज्ञेयं न चान्यथा स्वामिनारायणाय स्वाहा। इति प्रश्नोत्तरं श्रुत्वा सरुष्टो भूद्विजोत्तमः दीनानाथोतपप्रच्छ तं कविः प्राञ्जलिः प्रभुं स्वामिनारायणाय स्वाहा। विकल्पानां प्रशमने यथाशक्त्युद्यमे कृते सम्यक् तत्स्यान्नत्यत् तर्हि प्रभो कीदृग्गतिर्भवेत् स्वामिनारायणाय स्वाहा। तमुवाच हरिः शक्त्या क्रियमाणे तदुद्यमे सम्यग्ध्ययेन जातेऽपि दुर्गतिस्तु भवेन्न हि स्वामिनारायणाय स्वाहा। न हि कल्याणकृत् कश्चित् दुर्गतिं तात् गच्छति इति कृष्णस्य वचनं प्रमाणम् इह विद्यते स्वामिनारायणाय स्वाहा। इहैव हि जये जाते निर्विकल्पस्थितिर्भवेत् क्वचिज्जयेन जातेऽपि सा स्याद् एवान्यजन्मनि स्वामिनारायणाय स्वाहा। योगभ्रष्टस्य पुंसोऽस्य पूर्वाभ्यासः पुनः प्रभो अचलां कारयत्येव मतिं नैवात्र संशयः स्वामिनारायणाय स्वाहा। तद्विकल्पात्मना नित्यं मनसा तु मुमुक्षुणा विधातव्यं युद्धमेव स्वारिणेव जिगीषुणा स्वामिनारायणाय स्वाहा। युद्धे जयेत्विह प्राप्तिराज्याद्देवरस्य जायते रिपोरभिमुखे मृत्याव अपि स्वर्गोपलम्भनं स्वामिनारायणाय स्वाहा। रिपुं बलिष्ठं ज्ञात्वैव तद्भीत्यायः पलायते तस्य त्वत्रायशो मुत्र भवत्येवाधमा गतिः स्वामिनारायणाय स्वाहा। विकल्पबलिनस्तस्माद्भेतव्यं मनसो न वै शक्त्यानेन तु योद्धव्यं सद्गतिर्भविता ततः स्वामिनारायणाय स्वाहा। येर्न शत्रुर्मनो ज्ञातं कृतं युद्धं न तेन च जाताश्च तदधीनास्ते प्राप्ता एव हि दुर्गतिं स्वामिनारायणाय स्वाहा। सुधोपमेयामिति तस्य वाचं निशम्य विप्रः स च तत्सदस्थः सर्वे गृहस्थाश्च विरक्तसङ्घा अपि प्रतोषं हृदये समीयुः स्वामिनारायणाय स्वाहा। इति श्रीशतानन्दमुनि विरचिते श्रीहरिवाक्यसुधा सिन्धो एकाधिकद्विशततमस्तरङ्गः स्वामिनारायणाय स्वाहा। अथ वृत्तालय प्रकरणस्य द्वितीयस्तरङ्गः स्वामिनारायणाय स्वाहा। शकाब्दे विक्रमार्कस्य नेत्राष्टवसुभूमिते ऊर्जशुक्लत्रयोदश्यां वचोमृतमिदं हरेः स्वामिनारायणाय स्वाहा। तत्र वृत्तालयपुरे गोमती सरसस्तटे सहकारवने वेद्यां स्वासने स उपाविशत् स्वामिनारायणाय स्वाहा। पीताम्बरधरो हेम बुट्टशोणाङ्गरक्षकः हेमसूत्राढ्यकौसुम्भ प्रावारोषणिशमण्डितः स्वामिनारायणाय स्वाहा। चम्पकापीडधवलपुष्पहारालिराजितः नानादेशागतस्वी
स्वीय नाना भक्तगणा वृतः स्वामीनारायण स्वाहा। प्रश्नोत्तराणि कुरुते त्याह सस्वान् जनान् प्रभु नत्वा पप्रच्छतं भक्तः कर्णगुप्ताभिदस्ततः स्वामीनारायण स्वाहा। केनोपायेन भगवन् साक्षात् कृष्णः प्रसीदसि इति पृष्टः स ऊचेतं सस्वाद्रोहात् प्रसीदति स्वामीनारायण स्वाहा। द्रोहस्तु विश्वसर्गादिकर्तुरप्यस्य सर्वथा अकर्तृत्वादिविज्ञानम् ईश्वराणाम् अपीशितुः स्वामीनारायणाय स्वाहा। अहुः कालस्य कर्तृत्वं केचित् केचिच्च कर्मणः मायायाः केचन प्राहुः स्वभावस्यापि केचन स्वामीनारायणाय स्वाहा। सम्यक् शास्त्रार्थविज्ञानं तेषां नास्ति गम्यते कालादेः कृष्णशक्तित्वं वेदादौ वर्णितं यतः स्वामीनारायणाय स्वाहा। नास्त्येव विश्वसर्गादौ कालादीना स्वतंत्रता तत्तत्क्रिया विदधते हरेः प्रेरणयेव ते स्वामीनारायण स्वाहा। सम्राज आज्ञयेवास्ति यथा मंडल बुभृतां प्रजा प्रशासनं तद्वत् कालादीनां तदाज्ञया स्वामीनारायण स्वाहा। एवं सर्वनियन्तारं सर्वकर्तारमेव च तं यो विद्या स वै भक्तः प्रोक्तो द्रोहितरस्तथा स्वामीनारायण स्वाहा। विद्वांसोऽप्यत्र केचिच्च तं सदा दिव्य विग्रहम् अप्यरूपं विदुर्विद्धि तदापि द्रोहमेव हि स्वामीनारायण स्वाहा। सम्पूर्णाङ्गं स्वनृपतिं यथा कश्चन कीर्तयेत् नासा कर्णादिहीनोऽस्ति राजास्माकमसाविति स्वामीनारायण स्वाहा। इदृग्वाक्यं नरपतिर्द्रोह एव तथा हरेः दिव्यांगस्याप्यरूपत्वकथनं द्रोह ईयतां स्वामीनारायण स्वाहा। अरूपस्य हरेः सर्गारम्भे माया समीक्षणं न संभवेदतो नित्यं सज्ञेयो दिव्य विग्रह स्वामीनारायण स्वाहा। वस्तुतः करपादादिहीनं कृष्णमवेत्यये तमर्चेयुश्चन्दनाद्यस्तेऽपि तद्द्रोहिणो मतः स्वामीनारायण स्वाहा। वेदेषु भगवद्रूपं सम्यगस्ति निरूपितम् अपि तन्न सुबोधं यत्तत्र मुह्यन्ति सूरयः स्वामीनारायण स्वाहा। स्वस्वरूपावबोधार्थं ततो भगवते वहि प्रवर्तितानि शास्त्राणि सांख्यादीनि धरातले स्वामीनारायण स्वाहा। आचार्यः सांख्यशास्त्रस्य महर्षिः कपिलोऽभवत् चतुर्विंशति तत्त्वानि तेन तत्रोदितानि च स्वामीनारायण स्वाहा। तत्त्वात्मकशरीरेभ्यो जीवेशास्तु पृथक् क्वचित् न स्थातुं शक्नुवन्तीति तेन तेऽपि निरूपिताः स्वामीनारायण स्वाहा। परमात्मा पञ्चविंशस्तन्नियन्तृतया पृथक् तेभ्यो निरूपितोऽस्तीति तत्रापीशोऽस्ति सा कृतिः स्वामीनारायण स्वाहा। पृथक्त्वम् अथ सुस्पष्टं जीवेश परमात्मनां कालेन न भवद्वेद्यं तत्शास्त्रेण मुमुक्षुतां स्वामीनारायण स्वाहा। तदा हिरण्यगर्भेण योगशास्त्रं प्रवर्तितं चतुर्विंशति तत्त्वेभ्यस्तत्रोक्तः क्षेत्रवित् पृथक् स्वामीनारायण स्वाहा। परमात्मा तु भगवान् षड्विंशः पृथगीरितः एवं तत्रास्ति तद्धेय उक्तः कृष्णो हि सा कृतिः स्वामीनारायण स्वाहा। सुबोधं तत्र कृष्णस्य नाभूद् रूपस्य वर्णनं पञ्चरात्रं ततश्चक्रे भगवान्नारदात्मना स्वामीनारायण स्वाहा। वासुदेवादिरूपेण चतुर्व्यूहो निरूपितः तत्र कृष्णस्ततस्तस्या कृतिः स्पष्टं विभाव्यते स्वामीनारायण स्वाहा। नारायणो वासुदेवः स एव स्वेच्छया प्रभुः चतुर्भुजादिरूपेण वैकुण्ठादौ च वर्तते स्वामीनारायण स्वाहा। रामकृष्णादिरूपेण यथा कार्यं स भूतले स्वातन्त्रेणावर्णितः सन् निघ्नन् दुष्टान् सतोवति स्वामीनारायण स्वाहा। एवं सा कृतिता तस्य वेदादौ वर्णितास्त्यतः सत्सङ्गिनश्च तं बुद्ध्वा भजन्ते सर्वकारणं स्वाहा। वेदादीनां च तात्पर्यं वासुदेवे हि साकृतौ अस्तीति श्रीभागवते सूतः प्राह विदिष्टत स्वामीनारायण स्वाहा। वासुदेव परा वेदा वासुदेव परा मखाः
वासुदेव परा योग वासुदेव परा क्रिया स्वामीनारायण स्वाहा। वासुदेव परम ज्ञानम वासुदेव परम तपः वासुदेव परो धर्मो वासुदेव परा गति स्वामीनारायण स्वाहा। नारायण परा वेद देवा नारायणांगज नारायण परा लोका नारायण परा मुखा स्वामीनारायण स्वाहा। नारायण परो योगो नारायण परम तपः नारायण परम ज्ञानम नारायण परा गति स्वामीनारायण स्वाहा। एवं वेदादिभिः शास्त्रैरेकवाक्यतयैव ये कृष्णं विदुः परं तत्त्वं त एव ज्ञानी सत्तमाः स्वामीनारायण स्वाहा। पृथक् पृथक्तया त्वस्य शास्त्रेषु महिमोदितः न तावता वस्तु भेद इति ज्ञेयं मनीषिभिः स्वामीनारायण स्वाहा। दृष्ट्या सितं त्वचा शीतं जिह्वया मधुरं यथा घ्राणेन सुरभीत्येकम् अप्युक्तं बहुधा पयः स्वामीनारायण स्वाहा। सर्वे गुणा हि पयसो गुणिर्भिन्नं पयो नहि एवं हि भगवान् एको भूयांसः सन्ति तद्गुणः स्वामीनारायण स्वाहा। पृथक् पृथक् च शास्त्रेषु युक्तिभिर्बहुधैव ते तन्महत्वावबोधार्थं प्रोक्ताः सत्वेक एव हि स्वामीनारायण स्वाहा। एवं भगवतो ज्ञानं विना द्रोहो भवेत् खलु तस्मात् तदेव यत्नेन संसाध्यं सन्निषेवया स्वामीनारायण स्वाहा। भक्तत्वं स्वस्य ज्ञानेन तेनैव चरमापतेः प्रसन्नता भवेन्नित्यम् इति प्रश्नोत्तरं तव स्वामीनारायण स्वाहा। श्रुत्वेति तस्यामृततुल्यवाचं वैश्यः स चान्ये गृहिणश्च सन्तः सदो निषणा सकलास्तदीया भक्ता अवापुः परमं प्रहर्षं स्वामीनारायण स्वाहा। इति श्री शतानंद मुनि विरचिते श्री हरिवाक्य सुधा सिंधो द्व्यधिक द्विशततमस्तरंगः स्वामीनारायण स्वाहा। वर्णिवेश रमणीय दर्शनौ मंदहासरुचिराननाम्बुजं पूजितं सुरनरोत्तमेर्मुदा धर्मनन्दनमहं विचिन्तये। ओम श्री स्वामीनारायणाय नमः। ओम श्री स्वामीनारायणाय स्वाहा। ओम श्री स्वामीनारायणाय नमः। ओम श्री स्वामीनारायणाय स्वाहा। ओम श्री स्वामीनारायणाय नमः। ओम श्री स्वामीनारायणाय स्वाहा। ओम श्री कृष्णाय नमः। ओम श्री स्वामीनारायणाय स्वाहा। ओम श्री वासुदेवाय नमः। ओम श्री स्वामीनारायणाय स्वाहा। ओम नरनारायणाय नमः। ओम श्री स्वामीनारायणाय स्वाहा। ओम प्रभवे नमः। ओम श्री स्वामीनारायणाय स्वाहा। ओम श्री भक्ति धर्मात्मजाय नमः। ओम श्री स्वामीनारायणाय स्वाहा। ओम श्री जन्मने नमः। ओम श्री स्वामीनारायणाय स्वाहा। ओम श्री कृष्णाय नमः। ओम श्री स्वामीनारायणाय स्वाहा। ओम श्री नारायणाय नमः। ओम श्री स्वामीनारायणाय स्वाहा। ओम हरये नमः। ओम श्री स्वामीनारायणाय स्वाहा। ओम हरि कृष्णाय नमः। ओम श्री स्वामीनारायणाय स्वाहा। ओम घनश्यामाय नमः। ओम श्री स्वामीनारायणाय स्वाहा। ओम धार्मिकाय नमः। ओम श्री स्वामीनारायणाय स्वाहा। ओम भक्तिनन्दनाय नमः। ओम श्री स्वामीनारायणाय स्वाहा। ओम बृहद्धराय नमः। ओम श्री स्वामीनारायणाय स्वाहा। ओम शुद्धाय नमः। ओम श्री स्वामीनारायणाय स्वाहा। ओम राधा कृष्णेष्ट देवताय नमः। ओम श्री स्वामीनारायणाय स्वाहा। ओम मरुत्सुत प्रियाय नमः। ओम श्री स्वामीनारायणाय स्वाहा। ओम काल भैरवाद्यति भीषणाय नमः। ओम श्री स्वामीनारायणाय स्वाहा। ओम जितेन्द्रियाय नमः। ओम श्री स्वामीनारायणाय स्वाहा। ओम जिताहाराय नमः। ओम श्री स्वामीनारायणाय स्वाहा। ओम तीव्र वैराग्याय नमः। ओम श्री स्वामीनारायणाय स्वाहा। ओम आस्तिकाय नमः। ओम श्री स्वामीनारायणाय स्वाहा। ओम योगेश्वराय नमः। ओम श्री स्वामीनारायणाय स्वाहा। ओम योगकला प्रवृत्तये नमः। ओम श्री स्वामीनारायणाय स्वाहा। ओम अतिधैर्यवते नमः। ओम श्री स्वामीनारायणाय स्वाहा। ओम श्री ज्ञानिने नमः। ओम श्री स्वामीनारायणाय स्वाहा। ओम श्री परमहंसाय नमः। ओम श्री स्वामीनारायणाय स्वाहा। ओम तीर्थकृते नमः। ओम श्री स्वामीनारायणाय स्वाहा। ओम तीर्थकार्चिताय नमः। ओम श्री स्वामीनारायणाय स्वाहा। क्षमानिदये नमः। ओम श्री स्वामीनारायणाय स्वाहा। ओम सदोनिद्राय नमः। ओम श्री स्वामीनारायणाय स्वाहा। ओम ज्ञाननिष्ठाय नमः। ओम श्री स्वामीनारायणाय स्वाहा। ओम तपःप्रियाय नमः। ओम श्री स्वामीनारायणाय स्वाहा। ओम सिद्धेश्वराय नमः। ओम श्री स्वामीनारायणाय
स्वामीनारायणाय स्वाहा। ओम स्वतंत्राय नमः। ओम स्वामीनारायणाय स्वाहा। ओम ब्रह्म विद्या प्रवर्तकाय नमः। ओम स्वामीनारायणाय स्वाहा। ओम पाषंडोच्छेदन पटवे नमः। ओम स्वामीनारायणाय स्वाहा। ओम स्वस्वरूपाचलस्थितये नमः। स्वामीनारायणाय स्वाहा। ओम प्रशांतमूर्तये नमः। ओम स्वामीनारायणाय स्वाहा। ओम निर्दोषाय नमः। ओम स्वामीनारायणाय स्वाहा। ओम असुरगुरुवादिमोहनाय नमः। ओम स्वामीनारायणाय स्वाहा। ओम अतिकारुण्यनयनाय नमः। ओम स्वामीनारायणाय स्वाहा। ओम उद्भवार्धप्रवर्तकाय नमः। ओम स्वामीनारायणाय स्वाहा। ओम महाव्रताय नमः। ओम स्वामीनारायणाय स्वाहा। ओम साधुशीलाय नमः। ओम स्वामीनारायणाय स्वाहा। ओम साधुविप्रप्रपूजकाय नमः। ओम स्वामीनारायणाय स्वाहा। ओम अहिंसायज्ञप्रस्तोत्रे नमः। ओम स्वामीनारायणाय स्वाहा। ओम साकारब्रह्मवर्णनाय नमः। ओम स्वामीनारायणाय स्वाहा। ओम स्वामीनारायणाय नमः। ओम स्वामीनारायणाय स्वाहा। ओम स्वामिने नमः। ओम स्वामीनारायणाय स्वाहा। ओम कालदोषनिवारकाय नमः। ओम स्वामीनारायणाय स्वाहा। ओम सत्यशास्त्रव्यसनाय नमः। ओम स्वामीनारायणाय स्वाहा। ओम सद्यसमाधिसिद्धिकारकाय नमः। ओम स्वामीनारायणाय स्वाहा। ओम कृष्णार्चास्थापनकराय नमः। ओम स्वामीनारायणाय स्वाहा। ओम कौलद्वीषे नमः। ओम स्वामीनारायणाय स्वाहा। ओम कलितारकाय नमः। ओम स्वामीनारायणाय स्वाहा। ओम प्रकाशरूपाय नमः। ओम स्वामीनारायणाय स्वाहा। ओम निर्दम्भाय नमः। ओम स्वामीनारायणाय स्वाहा। ओम सर्वजीवितावहाय नमः। ओम स्वामीनारायणाय स्वाहा। ओम भक्तिसंपोषकाय नमः। ओम स्वामीनारायणाय स्वाहा। ओम शिवाग्निने नमः। ओम स्वामीनारायणाय स्वाहा। ओम चतुर्वर्गफलप्रदाय नमः। ओम स्वामीनारायणाय स्वाहा। ओम निर्मत्सराय नमः। ओम स्वामीनारायणाय स्वाहा। ओम भक्तवर्मणे नमः। ओम स्वामीनारायणाय स्वाहा। ओम बुद्धिदात्रे नमः। ओम स्वामीनारायणाय स्वाहा। ओम अतिपावनाय नमः। ओम स्वामीनारायणाय स्वाहा। ओम अमृतहृते नमः। ओम स्वामीनारायणाय स्वाहा। ओम ब्रह्मधामदर्शकाय नमः। ओम स्वामीनारायणाय स्वाहा। ओम अपराजिताय नमः। ओम स्वामीनारायणाय स्वाहा। ओम आसमुद्रांत सत्कीर्तये नमः। ओम स्वामीनारायणाय स्वाहा। ओम श्रुत संस्कृति मोचनाय नमः। ओम स्वामीनारायणाय स्वाहा। ओम उदाराय नमः। ओम स्वामीनारायणाय स्वाहा। ओम सहजानंदाय नमः। ओम स्वामीनारायणाय स्वाहा। ओम साद्विदर्म प्रवर्तकाय नमः। ओम स्वामीनारायणाय स्वाहा। ओम कंदर्पदर्पदलनाय नमः। ओम स्वामीनारायणाय स्वाहा। ओम वैष्णवकृतुकारकाय नमः। ओम स्वामीनारायणाय स्वाहा। ओम पंचायतन सन्मानाय नमः। ओम स्वामीनारायणाय स्वाहा। ओम नैष्टिकव्रतपोषकाय नमः। ओम स्वामीनारायणाय स्वाहा। ओम प्रगल्भाय नमः। ओम स्वामीनारायणाय स्वाहा। ओम निस्पृहाय नमः। ओम स्वामीनारायणाय स्वाहा। ओम सत्यप्रतिज्ञाय नमः। ओम स्वामीनारायणाय स्वाहा। ओम भक्तवत्सलाय नमः। ओम स्वामीनारायणाय स्वाहा। ओम मरोषणाय नमः। ओम स्वामीनारायणाय स्वाहा। ओम दीर्घदर्शिने नमः। ओम स्वामीनारायणाय स्वाहा। ओम षडूर्मि विजयक्षमाय नमः। ओम स्वामीनारायणाय स्वाहा। ओम निरहंकृतये नमः। ओम स्वामीनारायणाय स्वाहा। ओम अद्रोहाय नमः। ओम स्वामीनारायणाय स्वाहा। ओम ऋजवे नमः। ओम स्वामीनारायणाय स्वाहा। ओम सर्वोपकारकाय नमः। ओम स्वामीनारायणाय स्वाहा। ओम नियामकाय नमः। ओम स्वामीनारायणाय स्वाहा। ओम उपक्षमस्थितये नमः। ओम स्वामीनारायणाय स्वाहा। ओम विनयवते नमः। ओम स्वामीनारायणाय स्वाहा। ओम गुरवे नमः। ओम स्वामीनारायणाय स्वाहा। ओम अजातवैरिणे नमः। ओम स्वामीनारायणाय स्वाहा। ओम निर्लोभाय नमः। ओम स्वामीनारायणाय स्वाहा। ओम महापुरुषाय नमः। ओम स्वामीनारायणाय स्वाहा। ओम स्यात्मदाय नमः। ओम स्वामीनारायणाय स्वाहा। ओम प्रणिदार्श मर्यादाय नमः। ओम स्वामीनारायणाय स्वाहा। ओम व्यास सिद्धांत बोधकाय नमः। ओम स्वामीनारायणाय स्वाहा। ओम मनो निग्रह युक्तिज्ञाय नमः। ओम स्वामीनारायणाय स्वाहा। ओम यम दूत विमोचकाय नमः। ओम स्वामीनारायणाय स्वाहा। ओम पूर्णकामाय नमः। ओम स्वामीनारायणाय स्वाहा। ओम सत्यवादिने नमः। ओम स्वामीनारायणाय स्वाहा। ओम गुणग्राहिणे नमः। ओम स्वामीनारायणाय स्वाहा। ओम तस्मयाय नमः। ओम स्वामीनारायणाय स्वाहा। ओम सदाचार प्रियदराय नमः। ओम स्वामीनारायणाय स्वाहा। ओम पुण्य श्रवण कीर्तनाय नमः। ओम स्वामीनारायणाय स्वाहा। ओम सर्वमंगल सद्रूपनां गुण विचेष्टिताय नमः। ओम स्वामीनारायणाय स्वाहा। ओम स्वामीनारायणाय नमः। ओम स्वामीनारायणाय स्वाहा। ओम स्वामीनारायणाय नमः। ओम स्वामीनारायणाय स्वाहा। ओम स्वामीनारायणाय नमः। ओम स्वामीनारायणाय स्वाहा। इति श्री जनमंगल नामावली समाप्ता। जय सद्गुरु स्वामी प्रभु। जय सद्गुरु स्वामी सहजानंद दयालु। सहजानंद दयालु बलवंत बहुनामी। प्रभु जय सद्गुरु स्वामी। चरण सरोज तमारा वंदु कर जोड़ी। प्रभु वंदु कर जोड़ी चरणे शीश धराती। चरणे शीश धराती
दुख न क्या तोड़ी प्रभु जय सद गुरु स्वामी नारायण नर भ्राता द्विज कुल तनु धारी प्रभु द्विज कुल तनु धारी पामर पतित उधार्या पामर पतित उधार्या अगणित नर नारी प्रभु जय सद गुरु स्वामी नित्य नित्य नौतम लीला करताय विनाशी प्रभु करताय विनाशी अड़सठ तीर्थ चरणे अड़सठ तीर्थ चरणे कोटि गया काशी प्रभु जय सद गुरु स्वामी पुरुषोत्तम प्रगटनु जे दर्शन करशे प्रभु जे दर्शन करशे काल कर्म थी छोटी काल कर्म थी छोटी कुटुंब सहित तरशे प्रभु जय सद गुरु स्वामी आयवसर करुणा निधि करुणा बहु कीधि वाले करुणा बहु कीधि मुक्तानंद कहे मुक्ति मुक्तानंद कहे मुक्ति सुगम करी सिद्धि जय सद गुरु स्वामी बोलो स्वामी नारायण भगवान। अगर ये वीडियो आपको पसंद आया हो तो लाइक करें और शेयर करना मत भूलिए। सब्सक्राइब करें सरदार कथा चैनल को और बेल आइकॉन पर क्लिक करना मत भूलिए लेटेस्ट वीडियो सबसे पहले पाने के लिए।